सुरेश सुरेश मलकैया मरमलकैया सुरेश 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 नारायण के बेटा है। अच्छा सुन ले, क्या आपको पहले से दुश्मनी था? दुश्मनी था उससे, वो कहा जब मोटर हमन मोटर चोरा लिया है जब मरवा देंगे इसको, है ना, मतलब बोला मरवा दे। हाँ मरवा दिया, 7 दिन बोलता था। हाँ सात दिन बोलता था कि हम मरवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुमको नाती के गोली हम मरवा देंगे, भोगने नहीं देंगे, ठीक है, यही बोल रहा था रोज के रोज। यानी वो बोला और करवा दिया? हाँ करवा दिया, 10-15 दिन के बाद ऐसे ही करवा दिया। उसमें से एक लड़का तो पकड़ा के गया है, वो कौन है? एक लड़का पकड़ाया यानी कवि कुमार है, ठीक है, तो वहाँ पे धमकी देने वालों में से है कि वो अलग से है? वो अलग से, उसके दोस्त है। अच्छा तो अब उनको ईमानदार ने जाने कि क्या होगा ना तो होगा। क्या आप लोगों को शक है कि उसके दोस्त के माध्यम से ही उस लड़का को मरवाया गया है? ना नहीं, क्या है कि देखिए ना, हाँ नीतीश कुमार जो है ना, वो धमकी दे रहा था कि हम गोली मार देंगे, तुम्हारे नाती के उठवा देंगे, यही बोल रहा था, और सुरेश भी बोल रहा था। अभी जो लड़का पुलिस की निगरानी में है उस पर आप लोगों को शक है कि वो भी इसमें शामिल है? पूरा जोरे साथे झारा फिनाई अनाई जनाई खनाई तकले हट घड़ी दूरे पर, समझ ली, आरो कह के मतलब काल पौने सब बजे हम पटना गए ललिया। पटना कौन देखा मार मरने के बाद? साथे बजे हम दिन में चला पटना से मंत्री तू चुप बेरा बारी बोल न तो ठुनका से मार देबो। कहलिए वह कहलिए सर दक्षिण में बोले जी बेगरी जाति के फंसा के सर ओकरा जरे वो कबिया रामदेश के बेटा एगो आरो छोरा चार आदमी हमेशा ओकरा साथ है, एकरा धमकी बहुत दिया ना चारों आदमी दो दूसर आदमी सब इसको धमकी दिया इस सब के गाड़ी बढ़ा के। कहते हैं लोग कि बच्चों के सबसे नजदीकी दोस्त अगर कोई होता है तो माँ होती है जी। आप सही सही को क्या लगता है कि क्यों आपके वो सिर्फ मोटरे की वजह से हुआ होगा कि और भी कोई चक्कर? मोटरे की वजह से चलिए एक मोटर के वजह से जिसकी कीमत 2-4 या 10 हजार होगी उसके वजह से एक 19 वर्षीय लड़का का इस प्रकार से हत्या कर दिया गया कि आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये है माँ और लड़का अपने नाना नानी का सो समझिए एक सहारा था, नाना नानी उसको रखे थे क्योंकि मामा उसके पास नहीं था नाना नानी का, सो एक जीवन का सहारा था उसे किसी ने छीन लिया। तब एक और लगातार सीतामढ़ी में आए दिन 17, 18, 19, 20 वर्षीय लड़का का आए दिन कहीं ना कहीं पूरे सीतामढ़ी में अब लगातार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इसी प्रकार के घटना किया जाता है और लड़का को कहीं मार के फेंक दिया जाता है, जैसा कि कल ही आप हमारे चैनल पर देखे थे कि एक मात्र 18-19 वर्षीय लड़का को पीट पीट के मार दिया गया सिर्फ प्रेम प्रसंग का चक्कर था, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है, मात्र एक मोटर का चक्कर था और उसमें एक लड़का का जान ले लिया गया। दर्शकों आपको इस मामले में क्या कहना है, अपनी राय भी दीजिए और इतना शेयर करिए कि ताकि लोग सतर्क रहे और सावधान रहे, अपने बच्चों को ध्यान में रखे और कहीं भी ऐसा घटना होने से बचाए।